हाय नमस्ते, मैं हूँ युगो। शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो ये बीच वीडियो में से एक क्लिप मैं शुरू में डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और पूरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। आज काफ़ी सारी घूमा फिरी हुई है और वो सब आपको इस वीडियो में दिखेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें और कॉमेंट का सिलसिला शुरू करें। तो भैया, आप सबको मेरे घर का रास्ता तो पता ही है, देख रहे हैं क्या हालत हो रही है रोडों की। लेकिन यहाँ पर गाड़ी चलाना भी मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर ख़तरा है, कहीं भी गाड़ी फिसल सकती है और नीचे पड़ा है, पत्थरा है। तो बड़े संभाल कर यहाँ पर गाड़ी चलानी पड़ती है। स्पीड देखो आप, 9, 8, 7, 6, मतलब साइकिल वाले भी तेज निकल जाएं यहाँ से। लेकिन क्या ही करो यार, रोड बन रही है, काफ़ी महीनों से बन रही है, लेकिन किसको दोष दें, किससे बोलें, किससे शिकायत करें भाई, यहाँ कोई बनाता नहीं है रोड्स, बस अपनी जेब भरते हैं और गायब हो जाते हैं साले निकम्मे। खैर, किसकी तारीफ़ करें, चलो आगे चलते हैं। तो ये देखिए आप, मड रेसिंग, और वो देखो साइकिल मुझसे भी तेज़ जा रही है, क्या मज़े में जा रहा है वो। सही है, सही है। आइए आपको एक मस्त नज़ारा दिखाता हूँ। हुआ क्या है, गाड़ी बहुत खांस रही है और पूरे टैंक पे पानी भरा हुआ है। अभी इसको हमें टेढ़ा करना पड़ेगा, तब इसका पानी निकलेगा। जैसे तैसे तो मैं आज बाइक से निकला था कि चलो भाई मौसम खुला हुआ है, घूम लेते हैं। लेकिन देख सकते हैं आप, क्या जोश और से बारिश आ गई और मुझे खड़ा होना पड़ा बीच रास्ते में ही एक दुकान के पास जाकर। लेकिन ये गाड़ी क्या मस्त लग रही थी यार, फॉर्च्यूनर लग रहा था, इसी में बैठ के निकल जाऊँ। लेकिन फिर काफ़ी देर खड़े रहने के बाद बारिश थम गई और मैं निकल पड़ा। राहों में मुश्किल कितनी भी हो, लेकिन अगर आपको वो सफ़र अच्छा लगता है तो यकीन मानिए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, आप उन मुश्किलों को पार कर ही लेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं उन रास्तों पर चलना। तो फिर मुश्किलें भी छोटी ही लगने लगेंगी, क्यों, सही कहा ना। ये देखो भाई साहब, कीचड़ उछका के चले गए मेरे ऊपर, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, बारिश का टाइम है, चलता है सब।
तो सामने दिख रहा है काली माता जी का मंदिर। और इस मंदिर के बारे में तो आप सबको मैंने पहले भी बताया है कि मेरा बचपन यहाँ पर गुजरा है। तो जय मां काली। अब तक मैं भोपाल के उस हिस्से में पहुंच चुका हूं जहां पर मुझे कार चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ बाइक से आना ही पसंद करता हूं, क्योंकि यहां पर इतना ट्रैफिक है कि हालत ख़राब हो जाती है यार। इतना पॉल्यूशन है यहां पर, इतनी धूल धमास, गाड़ियों का धुआं काला काला, बहुत बहुत ही बेकार हालत होती है यहाँ पर। लेकिन किंतु परंतु भोपाल में अगर मुझे कोई पसंदीदा जगह है जहां पर मुझे कुछ खरीदना हो, खासकर इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स या गाड़ी का कोई सामान हो, तो वो जगह ये है। मतलब यहां पर आपको हर चीज़ मिल जाती है। ये ओल्ड सिटी है, ओल्ड भोपाल इसको बोलते हैं, और यहां पर आपको सब कुछ मिल जाता है जो भी आप चाहते हैं। और यहाँ पर प्राइस भी काफ़ी लो होते हैं, मतलब अदर जगह के मुकाबले यहाँ पर प्राइस कम मिलता है। तो मैं अक्सर दौड़ा दौड़ा भागा भागा यहीं आ जाता हूँ। वो देखो शाहरुख और अजय देवगन। लेकिन हाँ, गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कृपया करके गुटखा ना खाएं। एक फुट बोल के कितने देने? बोल दो, मैं डायरेक्ट डाल तेरी श्रद्धा 18 तेरी को बोल नहीं बोल दे को जो देना वो तेरी श्रद्धा। अच्छा 16 क्या है 92 क्यों देना? ये राकेश है। हम लोग पहले जॉब करते थे साथ में, और ये मेरे बॉस थे। मास्क लगा लो। तो यहाँ पर आया था इसके, हम ये लगवाने, इसके ऊपर गार्ड चढ़वाना था, गार्ड चढ़वा लिया है और पेमेंट भी कर दिया है। तो गार्ड चढ़ाने के 19,000 रुपये लिए, पता है? तूने वीडियो बनाया ना 19,000 रुपये जीतते हुए। पैसे आप लोगों ने देखे ही है। तो ये बस स्टैंड पे इसकी शॉप है, अगर किसी कुछ लेना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं भोपाल में। हालांकि जोक्स अपार्ट, वो पेमेंट किसी और चीज़ का था, वो मेरे स्क्रीन गार्ड का नहीं था। 19,000 का कौन सा स्क्रीन गार्ड आता है भाई? राकेश बाय। ओके मेरा दोस्त, ऐसे बाय कर कैमरे में देख के। बाय। तो जैसे ही मैं बाहर आया, पता चला कि गाड़ी उठाने वाली क्रेन आई हुई है। मतलब ये लोग गाड़ी उठा कर ले जाते हैं, फिर इनको पैसे दो। तो मैं सही टाइम पे बाहर आ गया, वरना चालन कटता और लगते पैसे और हो जाता। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। तो फिर मैं निकल गया वहाँ से, और ये सिटी बस ख़त्म होने वाली थी थोड़ी देर में, लेकिन आगे जाकर कुछ और ही नज़ारा था। यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ था ढेर सारा। आगे जाकर थोड़ा सा मैंने देखने की कोशिश की कि हुआ क्या है। तो एक बंदा काफ़ी देर से परेशान हो रहा है, एक हाथ से उसने बाइक पकड़ी है और उसकी शक्कर की एक थैली थी जो नीचे गिर गई थी, जो फट गई थी। लेकिन लोग हैं कि उतरकर मदद करने को तैयार नहीं थे अपनी गाड़ियों से, सब बैठे बैठे उसको देख रहे हैं, वो परेशान हो रहा था। मैंने अपनी बाइक को साइड में लगाया और उतरकर मैं उसके पास गया। तब तक उसके पास दो बंदे आ गए थे उसकी मदद करने के लिए, लेकिन मैंने जाकर उसकी बाइक को पकड़ लिया। और देख सकते हैं आप कितनी शक्कर उसकी गिर गई बेचारे की। वैसे ही सब कुछ आजकल इतना महंगा है, और उस पे से अगर ऐसा हो जाए तो कितना नुकसान हो जाता है। लेकिन कैसे लोग हैं, थोड़ा सा उतर के मदद भी नहीं कर सकते थे। बहुत देर से वो परेशान हो रहा था वहाँ पर। तो भाई इस वीडियो को तो यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में मैं आपको दिखने वाला हूँ पानी पूरी खाते हुए, फुल्की खाते हुए, गोलगप्पे खाते हुए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ जल्दी ही एक नए वीडियो में। बाय बाय।
तो अभी बहुत सारे ब्लॉग आना बाकी है, मांडव ट्रिप भी आने वाली है और कल आने वाला है नया ब्लॉग जो कि रहेगा इस ब्लॉग का पार्ट टू। तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और 3 बजे बिल्कुल आ जाना कल, यहीं पर मिलेंगे, यहीं पर बात करेंगे चैट बॉक्स में। बाय बाय।